ओके दोस्तों, इतनी सारी लीक्स के बाद IQ ने आखिरकार अपनी नई सीरीज IQ 7 सीरीज को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों इस सीरीज के अंदर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको IQ 7 लेजेंड और IQ 7 देखने को मिलेगा। और दोनों ही स्मार्टफोन दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलेंगे, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। जैसे कि आपको IQ 7 लेजेंड के अंदर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 888 देखने को मिल रहा है, तो वहीं आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 870 IQ 7 में देखने को मिल रहा है। दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है, आपको स्नैपड्रैगन का 870 भी किसी मामले में कम नहीं है। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन गेमिंग के लिए काफी ज्यादा आपको काम आने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और साथ ही बात करने वाले दोनों ही स्मार्टफोन की कीमत क्या होने वाली है, और क्या दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में जो भी स्मार्टफोन है जो गेमिंग में आपको मदद करते हैं उन स्मार्टफोन से बेटर है, क्या आपको इन स्मार्टफोन को लेना चाहिए, आज की वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों बात करें IQ 7 नॉर्मल IQ 7 5G की, तो इसके अंदर आपको 6.672 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon का 870 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और इस स्मार्टफोन में आपको 12GB की रैम जो कि LPDDR4 5 RAM देखने को मिलने वाली है, और स्टोरेज वेरिएंट आपको 256GB का देखने को मिल रहा है, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी सकते हैं। वहीं बात करें स्मार्टफोन के कैमरे की, तो कैमरास के बैक पे आपको ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक 48 MP का प्राइमरी सेंसर जो कि आपको सोनी का कैमरा देखने को मिलेगा, सोनी का IMX5, साथ ही एक 13 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 MP का मोनोक्रोम कैमरा देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में आपको एक 16 MP की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको एक 44 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 5 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, और कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इस स्मार्टफोन में आपको काफी फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, USB Wi-Fi जैसे सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, USB Type-C भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक फ्लेक्सी परफॉर्मेंस दी गई है इस स्मार्टफोन में। अब दोस्तों बात करें IQ 7 लेजेंड स्मार्टफोन की, तो इसके अंदर भी आपको दोस्तों वही 6.62 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले ही दी गई है, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों IQ 7 लेजेंड के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का 888 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 12 GB रैम, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रहा है, जो कि आपको LPDDR4 5 RAM देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इस स्मार्टफोन में आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS जैसे सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और वहीं दोस्तों बात करें IQ 7 लेजेंड स्मार्टफोन के कैमरे की, तो कैमरा दोस्तों इसके अंदर भी आपको वही बैक पे ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप ही दिया गया है, जिसके अंदर आपको 48 MP का प्राइमरी सेंसर जो कि सोनी का कैमरा इसके अंदर भी दिया गया है। वहीं दोस्तों 13 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और साथ ही 13 MP का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों सेल्फी के लिए भी इस स्मार्टफोन में एक 16 MP की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। और वहीं दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, वो इसके अंदर आपको वही 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि 66 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आएगी। तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर आपको 4000 mAh बैटरी और नॉर्मल आपको IQ 7 में 44 mAh की बैटरी, इसमें आपको थोड़ा कम बत्ती देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अब बात कर लें इन स्मार्टफोन की कीमत की, तो कीमत में दोस्तों आपको IQ 7 लेजेंड की कीमत बताऊं तो इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी कीमत आपको 39,990 रुपए देखने को मिलेगी। वहीं इसका अगला वेरिएंट आपको 12 GB रैम और 256 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, उसकी कीमत आपको 43,990 देखने को मिलेगी। और दोस्तों बात करें IQ 7 नॉर्मल वाले की, इसके अंदर भी आपको 2 वेरिएंट ही देखने को मिल रहे हैं, पहला वेरिएंट 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी कीमत 31,990 रुपए, और दूसरा वेरिएंट 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत आपको 33,990 रुपए देखने को मिल रही है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपको IQ 7 स्मार्टफोन में 8 GB ही देखने को मिल रही है दोनों ही वेरिएंट में, लेकिन आपको IQ 7 लेजेंड के अंदर 12 GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल रहा है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आपको ज्यादा रैम वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप IQ 7 लेजेंड की तरफ भी जा सकते हैं। और दोस्तों बात करें ये स्मार्टफोन सेल पर कब आएगा, तो दोस्तों सेल की अभी कोई कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करी गई है, लेकिन दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन को आप 1 मई से प्री बुकिंग के लिए कर सकते हैं, जो कि ये स्मार्टफोन आपको IQ की ऑफिशियली वेबसाइट और Amazon इंडिया पर देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो सेल की नहीं हुई है, लेकिन प्री बुकिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, जो कि 1 मई से शुरू हो जाएगी। गेमिंग के लिए तो ये बहुत अच्छे स्मार्टफोन है, तो इंडिया में इनकी प्राइस भी कम रखी गई है, 31,990 रुपए में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी से बेस्ड और भी स्मार्टफोन आने वाले हैं, जो आपको कम कीमत में बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों OnePlus के लिए आप टक्कर देने वाले स्मार्टफोन काफी सारे आ गए हैं, जो कि कम कीमत में आपको बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दोस्तों क्या आप स्मार्टफोन को परचेस करने की सोच रहे हैं, या आपने कभी IQ का स्मार्टफोन कभी भी किसी भी टाइम पर यूज करा है, दोस्त यार पड़ोस अड़ोस किसी भी रिश्तेदार का, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
बताएं आपको IQ के स्मार्टफोन कैसे लगते हैं, आपका रिव्यू मेरे लिए खास रहेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।